नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है स्टेनो एनजी के यूट्यूब चैनल में। आज हम ओपी शुक्ला बुक की पेज नंबर 116 डिक्टेशन की प्रैक्टिस करेंगे। इस डिक्टेशन का समय 10 मिनट का रहेगा और इसकी गति पहले 80 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट रहेगी। अब हम डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, इस नए 20 सूत्री कार्यक्रम में भी शिक्षा के ऊपर काफ़ी जोर दिया गया है। मुझे विश्वास है कि उसको कानून का जामा भी पहनाया जाएगा। कानून का जामा अगर पहना दिया जाए तो उससे एक लाभ यह होगा कि 18 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाना ही पड़ेगा। उससे दूसरा लाभ यह होगा कि जो बच्चे छोटी उम्र के हैं उनको काम करने के लिए उनके परिवार के लोग मजबूर नहीं करेंगे। मैं आपसे एक और निवेदन इस संबंध में करना चाहता हूँ। मेरा यह विश्वास है कि माननीय संसद सदस्य जब इसमें हिस्सा लेंगे तो ज़रूर उस पर प्रकाश डालेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज देश में अलग रहने की भावना बढ़ती चली जा रही है। आज स्थानीय दल केंद्रीय दलों से अधिक मजबूत होते चले जा रहे हैं। आज भाषा को लेकर विरोध है। भाषा कभी भी विरोध का विषय नहीं होनी चाहिए। भाषा के विषय में तो मेरा यह विचार है कि जितनी आसानी से बच्चा अपनी मातृभाषा में शिक्षा को ग्रहण कर सकता है उतना विदेशी भाषा में नहीं। विदेशी भाषा चाहे कितनी लचीली क्यों ना हो, चाहे कितनी विकसित क्यों ना हो, उससे बच्चे का विकास नहीं हो सकता। बच्चे की बुद्धि का विकास जितना उसकी मातृभाषा में किया जा सकता है उतना विदेशी भाषा के आधार पर नहीं किया जा सकता। मेरी यह भी प्रार्थना है कि इस देश में विदेशी भाषाओं को प्रोत्साहन मिले। महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा देश एक कोठी बनकर रह जाए। महात्मा गांधी चाहते थे कि सभी प्रगतिशील राष्ट्रों के साथ मिलजुल कर हम चले। मैं इस विचार का समर्थक हूँ। मैं किसी भाषा का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मातृभाषा में जितनी तेजी के साथ जितनी मजबूती के साथ बच्चे की बुद्धि का विकास हो सकता है उतना अंग्रेजी से नहीं हो सकता। तमिल भाषा के बच्चे की बुद्धि हिंदी या अंग्रेजी से नहीं बढ़ सकती। इसी तरह से मराठी और बंगला भाषा का है। इन तमाम भाषाओं में ऊंची से ऊंची शिक्षा बच्चे को मिल सके, इस तरह की व्यवस्था भी आज हमें करनी होगी। पैराग्राफ चेंज।
उपाध्यक्ष महोदय, मेरी यह मान्यता है कि जापान आज जापान नहीं बनता अगर यहाँ की शिक्षा जापानी भाषा में नहीं होती। इसी प्रकार जर्मनी आज जर्मनी नहीं बनता अगर वहाँ की शिक्षा जर्मन भाषा में नहीं होती। मेरा यह विश्वास है कि रूस आज रूस नहीं बनता अगर वहाँ रूसी भाषा में शिक्षा नहीं होती। तो अब हम इसी डिक्टेशन को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दोहराएंगे। 1, 2, 3 स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, इस नए 20 सूत्री कार्यक्रम में भी शिक्षा के ऊपर काफ़ी जोर दिया गया है। मुझे विश्वास है कि उसको कानून का जामा भी पहनाया जाएगा। कानून का जामा अगर पहना दिया जाए तो उससे एक लाभ यह होगा कि 18 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाना ही पड़ेगा। उससे दूसरा लाभ यह होगा कि जो बच्चे छोटी उम्र के हैं उनको काम करने के लिए उनके परिवार के लोग मजबूर नहीं करेंगे। मैं आपसे एक और निवेदन इस संबंध में करना चाहता हूँ। मेरा यह विश्वास है कि माननीय संसद सदस्य जब इसमें हिस्सा लेंगे तो जरूर उस पर प्रकाश डालेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज देश में अलग रहने की भावना बढ़ती चली जा रही है। आज स्थानीय दल केंद्रीय दलों से अधिक मजबूत होते चले जा रहे हैं। आज भाषा को लेकर विरोध है। भाषा कभी भी विरोध का विषय नहीं होनी चाहिए। भाषा के विषय में तो मेरा यह विचार है कि जितनी आसानी से बच्चा अपनी मातृभाषा में शिक्षा को ग्रहण कर सकता है उतना विदेशी भाषा में नहीं। विदेशी भाषा चाहे कितनी लचीली क्यों ना हो, उसे कितनी विकसित क्यों ना हो, उससे बच्चे का विकास नहीं हो सकता। बच्चे की बुद्धि का विकास जितना उसकी मातृभाषा में किया जा सकता है उतना विदेशी भाषा के आधार पर नहीं किया जा सकता है। मेरी यह भी प्रार्थना है कि इस देश में विदेशी भाषाओं को प्रोत्साहन मिले। महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा देश एक कोठी बनकर रह जाए। महात्मा गांधी चाहते थे कि सभी प्रगतिशील राष्ट्रों के साथ मिलजुल कर हम चले। मैं इस विचार का समर्थक हूँ। मैं किसी भाषा का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मातृभाषा में जितनी तेजी के साथ जितनी मजबूती के साथ बच्चे की बुद्धि का विकास हो सकता है उतना अंग्रेजी से नहीं हो सकता। तमिल भाषा के बच्चे की बुद्धि हिंदी या अंग्रेजी से नहीं बढ़ सकती। इसी तरह से मराठी और बंगला भाषा का है। इन तमाम भाषाओं में ऊंची से ऊंची शिक्षा बच्चे को मिल सके इस तरह की व्यवस्था भी आज हमें करनी होगी। पैराग्राफ चेंज। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी यह मान्यता है कि जापान आज जापान नहीं बनता अगर यहाँ की शिक्षा जापानी भाषा में नहीं होती।
इसी प्रकार जर्मनी आज जर्मनी नहीं बनता अगर वहाँ की शिक्षा जर्मन भाषा में नहीं होती। मेरा यह विश्वास है कि रूस आज रूस नहीं बनता अगर वहाँ रूसी भाषा में शिक्षा नहीं होती। इसी तरह भारत में जब मातृभाषा ना हो तब तक भारत विकसित नहीं हो सकता। उसके बच्चों की बुद्धि का विकास करके उसको आगे नहीं खड़ा किया जा सकता। जब तक कि यहाँ के बच्चे की शिक्षा उनकी मातृभाषा के जरिए ना हो, इसलिए जहाँ यह शिक्षा की प्रणाली 18 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य हो, वहाँ यदि इसके लिए आवश्यकता पड़े तो संविधान में संशोधन करना चाहिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।